अस्सलामुअलैकुम, शानों की किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। अभी शाम का वक्त है तो दिल कर रहा है कुछ हल्का फुल्का पकाने का, तो मैं मटर चना पुलाव बना रही हूँ, बिल्कुल सादा सा। और साथ में मैं चपली कबाब आलू के बनाऊँगी। ये प्याज ब्राउन करने के लिए रखे हैं मैं, जब ब्राउन हो जाएंगे तो फिर लहसुन, और ये देखें एक टमाटर और एक प्याली चने हैं, और ये सारे मसाले हैं। दरदरी मिर्च एक चाय का चम्मच, डेढ़ चाय का चम्मच नमक, ज़ीरा एक चम्मच, हल्दी, दालचीनी, दो टुकड़े बादियान। बस इन चीज़ों से तैयार करेंगे। ये दो आलू भी डाल दिए। प्याज थोड़े से ना मैंने ज़्यादा ब्राउन किए हैं कि पुलाव का कलर जो है ना थोड़ा सुरख सुरख सा आए, जैसे बिल्कुल सफ़ेद ना हो। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये जो मसाले हैं खुशक रखे हैं मैं ये, और बस थोड़ी सी भुनाई करके फिर पानी, बीच में दो गिलास चावल हैं तो चार गिलास या साढ़े तीन गिलास पानी शामिल करूंगी। हवा चल रही है और थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत शदीद। चार गिलास पानी मैंने बीच में शामिल किया है और उबाल आने पर फिर मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। जैसे ही ये उबाल आ गया है अभी इसमें, और जब थोड़ा सा ना पानी उबल जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल डालती हूँ। फिर ये भी तैयार कर रही हूँ मैं चपली कबाब आलू के। आलू मैंने कश किए हैं, ये जैसे मूली गाजर का कश करते हैं ना इस तरह, और पानी निकाल दिया है निचोड़ के। एक प्याज छोटा सा, और बीच में शामिल करूँगी मैं इसमें ये सूखा धनिया, नमक, ज़ीरा, दरफल मिर्च, बस ये चीज़ें डालनी है। मेरे पास जो है नहीं था अनारदाना तो मैंने नहीं शामिल किया, बस ये जो घर में चीज़ें दस्तियाब थी वही शामिल की हैं। और आधा कप मैदा। ये आलू की चपली कबाब मैं बना रही हूँ, इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। मैंने मिक्स करना है, पानी को अच्छे से उबाल आ गया है, मुझे मसाला भुना हुआ था तो अब मैंने बीच में चावल शामिल कर दिए। और इसे मैं दूसरे चूल्हे पे रखूँगी और इस जगह पे मैं कबाब तैयार करूँगी। ये कबाब का मसाला रेडी हो गया है, और अब देखिए इसकी मैं टिक्कियाँ बनाती हूँ। साथ टमाटर जो है गोल गोल मैंने काटे हुए तो वो सा लगाऊँगी। ये देखें इसमें टिक्की बनानी है, ये इस तरह टिक्की बनाकर। और अब ये कढ़ाई में दरमियानी आंच रखनी है, ना तेज़ रखनी है ना कम रखनी है, ना ये कच्चे आलू हैं तो इस वजह से ये अंदर तक गल जाए। इसी तरह सारे कबाब आपने बनाने हैं, ये देखें इस तरह टिक्की बिल्कुल नहीं टूटेगी, कोई ख़तरा नहीं है टिक्की टूट। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार कबाब तैयार हुए हैं, देखें कितना प्यारा कलर है, और ये देखें तोड़कर खाएं, बहुत टेस्टी है। और जो है ये बहुत इजी और बच्चों के लिए बड़े मज़ेदार है। कल खाना तैयार हो गया है, पुलाव भी और कबाब भी।